नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और आज हम पढ़ रहे हैं 2 मार्च 2024 को हुई कक्षा 6वीं की संस्कृत विषय की पेपर का हम संपूर्ण हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय संस्कृत कक्षा 6वीं का जो पेपर हुआ है उसका हम संपूर्ण हल करते हैं। प्रश्न पहला है, के धावंती, इसका उत्तर होगा अश्वाहा, अश्वाहा धावंती, सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, धन्वंतरी पूजनम भवति, धन्वंतरी पूजन कब होता है, इसका बी ऑप्शन सही है, त्रयोदश्याम। तीसरा प्रश्न है, नरस्य आभरणम अस्ति, मनुष्य का आभूषण है, इसका ए ऑप्शन सही है, रूपम, नरस्य भरणम रूपम, ए ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न है, भगतस्य आदयः कस्यै प्राणपरायणम् आकुर्वन्, इसका ए ऑप्शन सही है, स्वतंत्रतायै। पांचवा प्रश्न है, खादति शब्दे धातु अस्ति, खादति शब्द में जो धातु है वो खाद धातु है, ए ऑप्शन इसका सही है। आगे है प्रश्न छठवां, प्रिय वाक्यन प्रदानन सर्वे खालिस्तान जंतवा, खालिस्तान में हम लिखेंगे तुष्यन्ति। सातवां है, खालिस्तान वस्त्र निर्माण भवति, इसमें आएगा तंतु भी। आठवां प्रश्न है, फल इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनम खालिस्तान भवति, इसमें आएगा फलाय। नौवां प्रश्न है, रुचिकरा भाषा खालिस्तान अस्ति, इसका में भरेंगे हम नौवें प्रश्न में संस्कृत। दसवां प्रश्न है, बालकः विद्यालयम खालिस्तान, इसमें भरेंगे हम गच्छति। प्रश्न क्रमांक 11वां है, मोहना 7:30 कुत्र गच्छति, मोहन 7:30 कहाँ जाता है, इसका उत्तर होगा विद्यालयम। प्रश्न 12वां है, धारा नगर्या नरपति का आसी, धारा नगरी का राजा कौन थे, इसका उत्तर है राजा भोज। 13वां प्रश्न है, गुरु नानक देव कस्मिन प्रांत अवत, गुरु नानक देव कौन से प्रांत में आए, इसका उत्तर है पंजाब प्रांत। 14वां प्रश्न है, वस्तूनी केन शीतलानी भवंती, इसका उत्तर है हिम शीत केन। प्रश्न 15वां है, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय किसमें व्यतीत होता है, इसका उत्तर है वृष्णेन निद्रया और कलहन। प्रश्न 16वां है, संधि कति प्रकारा भवन्ति, संधि के कितने प्रकार होते हैं, इसका उत्तर है त्रयः, संधि के तीन प्रकार होते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 17वां, वृक्षा के शोभति, वृक्षों पर क्या शोभा देते हैं, इसका उत्तर है पर्णई पुष्पई फलई शाखावि च वृक्ष शोभति। प्रश्न 18वां है, संस्कृतस्य पठने केषां रुचि अस्ति, इसका आपको उत्तर लिखना है। 19वां है प्रश्न, 19वां, भारतीय कस्यै निरंतरं प्रयासं आकुर्वन्, तो आप कस्यै शब्द हटा के यहाँ लिखेंगे स्वतंत्रतायै और इसका यह आंसर बन जाएगा। प्रश्न 20वां है, निर्देशानुसारं उत्तरं लिखत, निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। चलित्वा तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, चलित्वा में प्रत्यय बताना है, इसमें कत्वा प्रत्यय है। 12 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय इति पदस्य संधि विच्छेदम करोत, विद्यालय का संधि विच्छेद करना है तो विद्या धन आलय। 17 नंबर का प्रश्न है, वद धातु लटलकारस्य प्रथम पुरुषः बहुवचनम लिखन्ति, वद धातु का लटलकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन लिखना है तो इसका होगा वदन्ति। प्रश्न 21वां है, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, 10 को संस्कृत में लिखेंगे दश, 7 को लिखेंगे शब्द और 5 को लिखेंगे पंच। प्रश्न 22वां है, 100 पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति, अपनी पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो ये इस प्रश्न पत्र में ना आया हो आपको यहाँ। प्रश्न 23वां है, अधोलिखित पदई पत्रम पूरयत, यहाँ कुछ पद दिए हैं आप देखें, रोहिता परिवारण करिष्यामि विवाह समारोह और करेलिता, आपको 5 खालिस्तान दिए हैं, खालिस्तान वाला, तो पहले खालिस्तान में आप यहाँ देखें करेलिता, दूसरे खालिस्तान में देखें आप विवाह समारोह, तीसरे में परिवारण, चौथे में करिष्यामी और पांचवे में भरेंगे हम रोहिता। आगे 24 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित शब्दानाम प्रयोगम कृत्वा चित्ताधारेण पंच वाक्यानि संस्कृत लिखत, यहाँ एक चित्र दिया है और कुछ शब्द दिए हैं 5, मंडूकः सरोवरः जलम गजः और वृक्षः, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको चित्र को देखते हुए 5 वाक्यों का निर्माण करना है। आप देखें यहाँ अस्मिन् चित्रे एका मंडूकः अस्ति, मंडूकः यानी मेंढक, आप यहाँ एक चित्र में मेंढक देख रहे हैं। दूसरी लाइन लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे एका सरोवरः अस्ति, सरोवर यानी तालाब, यहाँ एक सरोवर है। तीसरा लाइन है, तस्य समीपे एका वृक्षा अस्ति, उसके समीप में एक वृक्ष है। चौथी लाइन है, सरोवरे गजा पतितः, सरोवर में गजा यानी हाथी गिर गया है। और पांचवां है, सरोवरे जलम अस्ति, सरोवर में जल है। प्रश्न 25वां है, अधोलिखित पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत विषये लिखत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पद्यांश विद्यादयाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वा धनापनोति, धना धर्म तथा सुखम। पहला प्रश्न है, विद्या किम ददाति, इसका उत्तर होगा विद्या विनयम ददाति। दूसरा है, कस्मात पात्रताम याति, इसका उत्तर है विनयात पात्रताम याति।
तीसरा है धनात किम, इसका उत्तर है धनात धर्म। चौथा है पात्रत्वाद किम आपनोति, इसका उत्तर है पात्रत्वाद धनाम आपनोति। अगला प्रश्न है ददाति पदे कालकारः, हाँ इसमें है ददाति पदे लट लकारः, ददाति पद में जो है वो लट लकार है। आगे आप 26वां और अंतिम प्रश्न देखें, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, इस गद्यांश को पढ़ के आपको संस्कृत में जो नीचे प्रश्न दिए उनको उत्तर लिखना है। गद्यांश है परेशान उपकारा परोपकारा, सूर्या लोकहिताय तप्ति, नद्या परोपकाराय वहन्ति, वृक्षा परोपकाराय फलानि यक्षन्ति, मेघा परोपकाराय जलं वर्षन्ति, वसुधा परोपकाराय भारम वहति, एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। आगे देखें आप प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है का लोकहिताय तप्ति, इसका उत्तर है सूर्य लोकहिताय तप्ति। 2 नंबर का प्रश्न है वृक्षा किमर्थम फलानि यक्षन्ति, इसका उत्तर है वृक्षा परोपकाराय फलानि यक्षन्ति। 7 नंबर का प्रश्न है के परोपकाराय जलं वर्षन्ति, इसका उत्तर है मेघः परोपकाराय जलं वर्षन्ति। 4वां प्रश्न है का परोपकाराय प्रेरयति, इसका उत्तर है प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। और 5वां प्रश्न है परोपकाराय शब्दे का विभक्ति, तो परोपकाराय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ लिखेंगे हम परोपकाराय शब्दे चतुर्थी विभक्ति। इस तरह से प्यारे छात्रों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 मार्च 2024 को संस्कृत विषय का जो कक्षा 6वीं का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल आपको इसमें बताया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।